सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी भाइयों को अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको एक 0238 का बहुत ही क्रांतिकारी खेत दिखाने जा रहा हूं, और भाइयों आप भी इसे देखकर हैरान हो जाओगे। आप पहले तो ये कहोगे कि ये फागण का नहीं है, असोज का है। भाइयों ज़रा गन्ने की हाइट और मोटाई देख लो, क्या शानदार खड़ा भाइयों। ये देखो भाइयों, गन्ना नहीं तूफान खड़ा है। तो इसके बारे में ज़रा भैया जी से जानकारी लेते हैं। बहुत ही अफलातून खेत हो रहा है, कौन सी वैरायटी है और किस किस तरीके की इन्होंने प्रबंधन रख रखा। इस वर्ष तो खेत बहुत ख़राब हो चुके हैं। भैया जी कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भैया जी, एक बार अपना आप प्यारा सा हमारे किसान भाइयों को परिचय दे दो। भाई नाम मेरा शुभम है, गाँव मेरा सिखेड़ा है, पिताजी का नाम है मेरे इकराम सिंह। अच्छा जी, भैया जी आपका गन्ना सही बताइए, फागण का असोज का? भाई असोज हमने आज तक जिंदगी में एक नहीं बोया, ये फागण का गन्ना है हमारे पास सारा। अच्छा जी, असोज हम कभी नहीं बोते। अच्छा भैया जी, बहुत ठाड़ा खड़ा है खेत, तो क्या हो रहा था? बस भाई अपना मेहनत करते रहते हैं, भगवान की देन है, हो रहा है। हाँ नहीं, वास्तव में। और इस वर्ष तो भैया जी बहुत ज्यादा रोग आया है। अच्छा गन्ना हमारे पास 60 बीघे का चेक है उधर, उसमें इससे 21 गन्ना है सारा, वो बढ़ती थी बीज। अच्छा, सारा 5 फुट ही? सारा 5 फुट है। अच्छा, ट्रैक्टर कौन सा ले रहे? ट्रैक्टर भाई 5 है हमारे पास। अच्छा, न्यूलैंड भी है, फार्म ट्रैक भी है, स्वराज भी है। अच्छा, डियर भी है। बच्चा ट्रैक्टर कौन सा जी? भी है, बच्चा ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक एटम 26 हॉर्स पावर। भाई वाह, क्या कहने भाइयों। मट्टी भी बहुत ही शानदार चढ़ा रखी है, देखो पजे बांध रखी है। और गन्ने की सबसे बड़ी जो बात करी जाए मोटाई पे, तो आपको मैं बहुत ही नज़दीकी से दिखा रहा, देखो कितनी ज़्यादा मोटाई के साथ ये गन्ना है भाई का। और हाइट की बात करी जाए तो कम से कम जो ये जूना लग रहा, ये 8 और 4 12 फीट पे जूना है जी। और इसी तरह स्टूल से बनवाया था जी, सीढ़ी से? स्टूल से जी, स्टूल से। तो इसमें आपने क्या क्या बुवाई पे क्या क्या प्रक्रिया रखी थी, कुछ थोड़ा सा किसान? मुझे नहीं पता, देखो ये मैं बताता रहता हूँ, मेरे पिताजी कराते रहते हैं नौकरों से। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ही जैसा इस वर्ष गोला बहुत खा गए तुमने, तो कोरोजन को दवा स्प्रे वगैरह? कोरोजन नहीं करते हम कभी। अच्छा, कोरोजन आज तक पिछले 5 साल में हमने कोई खेत में नहीं करी। अच्छा, नहीं करते। और क्या डालते हो थोड़ा सा कुछ, एक दो दवाई? बस दवाई तो हमारे गाँव में है, एक दो उससे लेकर डालते रहते हैं, बाकी कोरोजन नहीं करते। अच्छा, कूड़ी खाद डालते? कूड़ी खाद डालते हैं पूरा, 2 बीघे 1 बीघे में 2 ट्रोली खाद डालते हैं हर साल। भाई वाह भाइयों, देख लो ये कूड़ी का खाद का कमाल मान लो, या भैया जी का कमाल मान लो, आपके सामने है बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। आप देख लो खेत खड़ा है आपके सामने ही। और भैया जी ने कहा स्प्रे कितनी कर दी होगी इस खेत में? स्प्रे करते हैं बहुत। अच्छा, स्प्रे हम 15-20 दिन करते हैं। हाँ, जब साधन है जी। हाँ जी, बच्चा ट्रैक्टर, ऑटोमेटिक मशीन है? ऑटोमेटिक मशीन है, बड़े ट्रैक्टर की भी है, छोटे की भी है। हाँ, तो स्प्रे कितनी कर दी होगी इस खेत में भैया जी? स्प्रे कम से कम इसमें 10 स्प्रे करते हैं। स्प्रे हम बहुत करते हैं, स्प्रे ज्यादा करते हैं, खाद कम डालते हैं। हाँ, नीचे ज्यादा करते हैं। ये देखो कितनी अच्छी बात कही किसान भाई ने, भूमि को ये बिल्कुल खराब नहीं करते, भूमि को बचा के रखते हैं। और कीट ऊपर लगता है हमेशा, गोले पर कीट लगता है गन्ने का, उसके लिए भैया उपचार करते हैं स्प्रे से। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी भैया ने। भाइयों और आप ये देख लो जरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा खेत। यो आप बताइयो कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और भाई का गन्ना जो है कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लियो भाइयों। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइयो हमारे भाई का जो गन्ना है आपको कैसा लगा। तो सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।